दोस्तों, आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप मेरे शारीरिक माप को बहुत ही ठीक प्रकार से देख पाओगे। दोस्तों, यह वीडियो 12 नवंबर 2020 की है, जब मेरा जन्मदिवस था। उसी के उपलक्ष में मैंने यह वीडियो यूजिन सैंडो के साथ बनाई थी, अर्थात यूजिन सैंडो के फ़ोटो के साथ अपनी फ़ोटो को जोड़कर बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि मेरा शारीरिक माप क्या है। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मेरा शारीरिक माप बहुत ही कम है। अब इन जब फ़ोटो को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है और सोचता हूँ कि मैं पहले कितना विचारहीन था, जो मैंने ऐसी अविकसित फ़ोटो को लोगों को दिखा दिया था। लेकिन दोस्तों, वास्तव में कहूँ तो मेरी इन फ़ोटो को देखकर दोस्तों ने आश्चर्य प्रकट किया था, क्योंकि इससे पूर्व मैंने कभी भी अपना शारीरिक माप नहीं दिखाया था। दोस्तों, मेरी ये सारी फ़ोटो यूजिन सैंडो के बहुत सारे पोस्ट के साथ लगी हुई हैं, क्योंकि यूजिन सैंडो को अपनी बॉडी की पोज दिखाने में बड़ा ही आनंद आता था। और मेरा भी दोस्तों ऐसा ही उद्देश्य है कि कुछ समय के पश्चात जब मैं अतिरिक्त शक्तिशाली बन जाऊंगा और सुंदर शरीर का मालिक बनूंगा, तो मैं भी अपनी फ़ोटोशूट कराऊंगा, जिसके द्वारा लोग मेरी बॉडी को देखकर और भी मोटिवेट होंगे। दोस्तों, यह वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि 2 वर्ष पहले भी मेरी इच्छा शक्तिशाली बनने की ही थी, और आज 2 वर्ष के बाद यानी कि 2022 में भी मेरी इच्छा शक्तिशाली बनने की है। मैं जानता हूँ मुझे शक्तिशाली बनने में बहुत ही समय लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ व्यायाम को नहीं कर पा रहा हूँ। आप इन फ़ोटो में मेरे शारीरिक विकास को देख सकते हो, लेकिन अब जो मेरा शारीरिक विकास है वो इन फ़ोटो से थोड़ा बहुत विकसित हुआ है, अर्थात इन फ़ोटो की तुलना में मेरा आज का शारीरिक विकास काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है और मेरी ताकत में तो वृद्धि हुई है। दोस्तों, मेरी ताकत में जो वृद्धि हुई है उसकी वीडियो मैं आने वाले समय में बनाऊँगा। इसी के साथ दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं।